زينت ابي زينت ابي زينت ابي زينت ابي अरे कोई है कोई है زينت ابي क्या हुआ बेटा प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना ये हमारी भाभी है इन्हें लग गई है बेहोश हो गई है हमारी मदद कर दीजिए यहाँ पर तो कोई सवारी मिलना मुश्किल है आगे से थोड़ी दूर एक क्लिनिक है हम ले जाते हैं हमारी मदद कर दीजिए इन्हें उठाने में हमें कुछ पता चला जारा आउटहाउस से कब निकली थी बेटा सैरो कह रही थी कि जारा बहुत देर पहले शरिया बोर्ड के लिए निकल चुकी है ठीक है हमें शुक्रिया अम्मी कह रही है कि जारा आउटहाउस से बहुत पहले निकल चुकी है तो फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे बेटा कबीर अब तो हमें भी परेशानी हो रही है कि आखिर जारा गई कहां है और ऊपर से 5 बजे तुम्हारी ट्रेन भी है नर्स नर्स देखिए क्या हुआ इनका एक्सीडेंट हो गया था ध्यान से आराम से कबीर को फोन तो टूट गया हम कबीर को अभी नहीं बताएंगे अगर अभी बताएंगे तो सम्मेलन छोड़कर तुरंत यहाँ जाएंगे कबीर की एक बार ट्रेन चल जाए फिर उन्हें बताते हैं ठीक है ना कैसा महसूस हो रहा है आपको हम पहले से बेहतर हैं अगर तुम्हें क्या हुआ तुम इतना क्यों खांस रही हो जारा वो जीन भाभी ऐसे ही हम अभी डॉक्टर को बता के आते हैं ठीक है साढ़े 5 बज गए कबीर भी गया अब तुम भी जाओगी सारा आ, आ। अरे जीनत भाभी आप उठ क्यों गई इधर आओ सारा बैठो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो तो इत्तेफाक से तुम वहाँ थी तो तुमने हमें देख लिया और यहाँ लेकर आ गई वरना पता नहीं हमारा क्या होता अब तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें जानते हैं कि तुम कुछ खाओगी नहीं मगर पानी तो पी सकती हूँ नहीं जीन भाभी हम ठीक है बस हल्की सी खांसी है सारा थोड़ा सा पानी पी लो नहीं जीन भाभी हम ठीक हमारे हाथ से नहीं पियोगी ऐसी बात नहीं है पी लो ला रख देते हैं शुक्रिया भाभी अब क्या हम एक फोन कर सकते हैं किसे फोन लगा रही हो जारा सीनन भाभी वो कबीर को फोन करना है मगर वो तो ट्रेन में होगा ना
हाँ, लेकिन उन्होंने हमें शरिया बोर्ड की दावत में बुलाया था और हम आपके पास थे तो फिर कैसे जा सकते थे आपको छोड़ कर। इसी बात के लिए उन्हें माजरत कर दें। मैं समझ में नहीं आ रहा कि ज़ारा गई तो कहाँ गई। जहाँ जहाँ वो हो सकती थी हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं है वो। अल्लाह रहम करे हमारी ज़ारा पर। सुबह से ज़ारा ने कुछ खाया भी नहीं है। काजी साहब जरा फोन बज रहा है, आप स्पीकर पे डालेंगे। हेलो कभी। ज़ारा, ज़ारा। वो हमें माफ करना, हम आ नहीं पाए। असल में सीन भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, हम उन्हीं के साथ थे। लेकिन ज़ारा तुम ये बात हमें पहले भी बता सकती थी ना। जानते कि हम और तुम्हारे अब्बा कितने परेशान हैं। कितनी बार तुम्हें फोन किया, फोन क्यों बंद आ रहा है? नहीं, हमने फोन नहीं बंद किया कबीर, वो असल में हमारा फोन टूट गया है। और जब हमें टाइम मिला तो हमें लगा अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम सम्मेलन छोड़ दोगे। अच्छा सुनो, तुम अभी कहाँ हो? हम अभी आ रहे। तुम गए नहीं? नहीं गए। अब हमें बताओ कहाँ हो तुम? आइडियल क्लिनिक, वो पुरानी चौक के पास। ठीक है, हम अभी आ रहे। क्या हुआ कबीर, गया या नहीं? नहीं। या अल्लाह, अगर कबीर नहीं गया तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। आराम से बेटा, आराम से। ये बिल और डिटेल्स है सिस्टर, इन्हें समझा दो। या अल्लाह, हमारे पास तो देने के लिए पैसे भी नहीं है। हमने कितना अच्छा प्लान बनाया था, कबीर के जाते ही ज़ारा हॉस्पिटल चली जाएगी, लेकिन अब तो कबीर उसके साथ होगा। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, अभी तक इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। ज़ारा, जीनत भाभी, सब ठीक तो है? आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, छोटी सी चोट आई है। अल्लाह का शुक्र है, फिर घर चलते हैं। हाँ जरूर। कबीर, तुमने अपना सम्मेलन क्यों छोड़ दिया? बहुत परेशान किया तुमने हमें सारा, लेकिन कभी ये सोचा कि तुम्हारी कोई खबर नहीं आएगी तो क्या होगा, कैसे जाएंगे हम? वैसे हम रात की ट्रेन से जा रहे हैं। रात में कबीर ट्रेन से गोरखपुर जाएगा और हम सलमा की बीमारी का ड्रामा करके ज़ारा को घर ले जाएंगे। हमें उल्टियां आ रही हैं। सुबह से ज़ारा ने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी रही है, तो उल्टी तो आएगी। लगता है अब हुआ है हमारे पानी का असर, असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। या अल्लाह, आधे घंटे में 3 उल्टियां हो चुकी हैं ज़ारा को। आइए डॉक्टर साहब, आइए देखिए। हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। बस ज़ारा, बहुत हो चुका, मुंह बंद करो। डॉक्टर साहब, आप देखिए। कबीर, हमने कहा ना हम नहीं दिखाएंगे डॉक्टर को। कबीर, चुप करो। कबीर, हमने कहा ना, अब नहीं। क्या हुआ ज़ारा को? कबीर साहब, ज़ारा बेटा दवाई खा लेना, बच्चे
हम दवाई तभी खाएंगे जब तुम पैसे कमा कर लाओगे कबीर। आप इससे समझाइए क्योंकि हमारी बात तो मान ही नहीं रही है। इतनी तबीयत खराब हो चुकी है इसकी जिद में अम्मी बस दवा खाने की जाएगी। सारा दवाई खा लो ना बच्चे। सारा जिद मत करो, खाना नहीं खाना मत खाओ, कम से कम दवाई तो खा लो, उल्टियाँ तो बंद हो जाएंगी बेटा। नहीं नहीं अम्मी हम ठीक है। किसी की बात नहीं मान रही जरा, किसी की तो बात मानो, हमारी बात। गोरखपुर के लिए तुम्हारी जो शाम की ट्रेन थी वो तो छूट गई जी, और रात की ट्रेन पकड़ लो। क्या भाई काजी साहब, आप ही समझाइए ना इस लड़के को, कितने फख्र की बात है, पहली बार पूरे पूरे कौम की नुमाइंदगी कर रहा है सर्वधर्म मिलन समारोह में। भाई तुम जाओ ना, हम सब हैं ना दारा का ख्याल रखने के लिए, बेफिक्र हो तुम। हाँ कबीर, अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब ध्यान रख लेंगे, तुम जाओ। छोड़ दो, दवा खा लो। तुम ट्रेन मत छोड़ो कभी। हम वादा करते हैं जब तुम वापस लौटोगे हम तुम्हें मिलेंगे। जोड़े मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। अच्छा है कि हमने जारा को उसके अब्बू के घर भेजने का इंतजाम कर दिया, वहां वो खाने पीने से इनकार नहीं कर सकती, उसकी देखभाल होगी। उसकी देखभाल का इंतजाम करके एक फर्ज हमने निभाया है, अब कौम की एक फर्ज को निभाना है। आलिम साहब क्यों दिल को समझा रहे हैं? आपको बीवी के लिए एक शौहर के फर्ज अच्छे से मालूम है, और इन हालात में एक शौहर को अपनी बीवी के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको अच्छे से पता है। कबीर साहब, जारा बेगम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिद छोड़ दो। देखो जारा बेटा, हमें परेशान मत करो, हमारी बात मान लो बेटा। अम्मी मानना तो कबीर को है, अब हमारा इलाज कबीर के पैसों से ही होगा। जारा क्या हो गया? कबीर मियां, देखिए ना किसी की बात नहीं मान रही है, कहिए ना इसे। अम्मी हटिए हटिए। क्या कर रहे हो कबीर? कबीर कबीर क्या कर रहे हो कबीर? कहा ना हमने डॉक्टर के पास जाएंगे, ना ही हॉस्पिटल में, हम किसी और के पैसे से इलाज नहीं करवाएंगे, पहले ही मर जाएंगे जब तक तुम खुद कमाकर हमारा इलाज नहीं करवाते। कबीर कबीर
हम नहीं जाएंगे, कबीर, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे अम्मी, कबीर, अम्मी तुम जबरदस्त ऐसे नहीं ले जा सकते हो कबीर, तो देखो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है कबीर, अगर तुमने अब्बू के पैसे की एक घूंट पानी में पिलाया ना हमें तो देखना कबीर तुम्हारे अकाउंट में खुद का एक पैसा नहीं है, क्या इलाज करोगे हमारा? अब सही तो कह रहे हैं, कैसे एडमिट करोगे हमें, क्या हॉस्पिटल ले जाओगे कबीर, हमें उतारो बेटा जरा, बस कबीर कबीर कबीर। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत खराब ही कब हुई थी अब्बू, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, आप बस देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। चलिए चलो, ये लीजिए आराम से। ये क्या है? इस पर आपके हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए। कबीर मैडम वो कहीं गए हैं, हम कर देते हैं, हम इनके ससुर हैं। नहीं कोई बात नहीं, आने दीजिए उन्हें। अभी कबीर कहाँ चला गया है? कबीर कबीर आ गए। कहाँ चले गए थे बेटा कबीर? अपनी कमाई के पैसे लेने गए थे वो। अपनी कमाई के पैसे मतलब क्या? अबू बताते हैं आपको। कोई जबरदस्ती ना तुमसे तुम्हारी कसम तोड़वाएंगे। हमें मदरसा में मिला था, खाड़ी के मुल्क से कोई बड़े उस्ताद आए थे हमारे मदरसा में, और तब हमने मदरसा में टॉप भी किया था, गोल्ड का है, खालिस गोल्ड का, कम से कम 20,000। क्योंकि ये हमारी कमाई के पैसे हैं, तुम्हारे शोहर की कमाई। हमारी कमाई के पैसे हैं, इससे जो पैसे मिलेंगे वो हमारी कमाई के होंगे, और आज ये तुम्हारे इलाज में जाएंगे। ये मेडल तुम्हारा है, तुमने अपनी मेहनत से कमाया है कबीर, इससे हमारा इलाज नहीं होगा, तुमने इतना कह दिया वही बहुत है हमारे लिए। कि अगर ये हमारा गोल्ड मेडल है तो इसे बेचने या ना बेचने का फैसला हम नहीं, तुमने कबीर पैसा ले लिया। इलाज में जाएंगे कबीर? नहीं बात सुन कबीर,
अम्मी आपने डॉक्टर वेदांत का नाम सुना है? अरे भाई वो इलाहाबाद के फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो इंसान की नब्ज पकड़कर इंसान की बीमारी बता देते हैं। और जानना चाहेंगे डॉक्टर वेदांत के बारे में? देखना मत भूलिएगा राजा बेटा, एक नई कहानी शाम 6:30 बजे सिर्फ ZEE TV पर।